आई एम श्योर कि आपने ये वीडियो थंबनेल देखने के बाद क्लिक किया है, एंड आई कैन क्लेम दैट एवरीथिंग रिटन ऑन द थंबनेल इज 2000% करेक्ट. अगर मॉक नहीं तो सिलेक्शन नहीं. जितने भी एस्पायरेंट्स होंगे उन सबका ये कॉमन क्वेश्चन होता है, मॉक देना क्या इतना इंपॉर्टेंट है? अगर मॉक नहीं देंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? अगर मॉक देंगे तो क्या सिलेक्शन 2000% हो जाएगा? सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, मॉक कैसे दे दें? अभी तो सिलेबस कवर हो गया, PYQs लगा लिए, तो मॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मॉक दे रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहा. मार्क्स नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस डिप कर जाता है, एंड वेरियस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में वंस एंड फॉर ऑल, एंड आपको प्रूव करके जाऊंगी कि मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट हो, UPSC, स्टेट PSC, SSC का कोई भी एग्जाम, CGL, CHSL, JEE, RRB, JEE, गेट, कैट, मैट, किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं तो मॉक टेस्ट आपका पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस पता करना, सिलेबस को कवर करना, रिविजन करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना भी है. और मैं तो कहूंगी कि लास्ट का जो टाइम होगा, लास्ट के जो 2 months, 1 month होंगे आपके एग्जाम के लिए, उसमें तो सिलेबस कवर करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना. मैं अपनी बात को प्रूव कर दूंगी आपको सिर्फ 6 points में, एंड जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा आई एम वेरी श्योर कि आपको पता लग जाएगा कि मॉक कैन बी अ गेम चेंजर लास्ट टाइम पे, आपके पूरे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. माई फर्स्ट पॉइंट इज पैटर्न एनालिसिस. जब आप मॉक टेस्ट में अपियर करते हैं आपको पैटर्न का आइडिया लग जाता है. मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ इस बात पे कि जो पैटर्न आपका प्रीवियसली पूछा गया है या जो मॉक टेस्ट में पैटर्न आपको दिया जा रहा है सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा आपके एग्जाम में. नहीं, थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज आता है माइनर. कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, डिजर्विंग स्टूडेंट या जो आपके क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स को फिल्टर करके डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बाहर निकालने के लिए पैटर्न चेंज करना पड़ता है. थोड़ा सा लेवल आपके जो एग्जाम का है वो बढ़ाना पड़ता है. बट क्या पूरे के पूरे 150 या 200 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे. पैटर्न सेम होने वाला है. जब आप एक बार पैटर्न पहले से देख लेते हैं और यूज टू हो जाते हैं तो आपको वहाँ न्यूनेस फील नहीं होती है. आपको आइडिया लग जाता है कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है. एग्जाम्पल देती हूँ SSC JEE का. आपको पता है कि आपके पास एक टेक्निकल पोर्शन होगा, नॉन टेक पोर्शन होगा. आपको पता चल जाएगा कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है. मेरे लिए टेक्निकल स्ट्रांग है. मैं नॉन टेक अगर अटेम्प्ट करने पहले गई और शुरू के ही 4-5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, मेरा कॉन्फिडेंस जुप से नीचे आने वाला है और मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी. तो ये मुझे पता कैसे चला? मैंने जब मॉक अपियर किया ना तो मुझे समझ में आया कि ये पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाई कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना है. इसीलिए मॉक इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट. अगर आप एक जेन्युइन एस्पायरेंट हैं तो मैं क्लेम कर सकती हूँ इस बात पे कि मैं आपको अगर एक रीजनिंग का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल देती हूँ, आप वो सॉल्व कर लेंगे. आपने 1 hour लिया मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दे मारा मेरे मुंह पे. क्या कोई एडवांटेज है उसका? 1 hour भी छोड़िए, आपने 30 minutes में सॉल्व कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? आपने 10 minutes में सॉल्व कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ऑल्सो विद एक्यूरेसी बनना चाहिए. तो जब आपके सामने 150 क्वेश्चंस हैं, आपको उसको पर्टिकुलरली 200 मिनट्स में कंप्लीट करना है, या 150 क्वेश्चंस हैं आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो आपको पता है कि आपको एक क्वेश्चन लेस देन 1 minute में बनना चाहिए. ये आप कैसे डेवलप कर पाएंगे? आपने सिलेबस कवर किया है, आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, पर्टिकुलर पोर्शन के, सब्जेक्ट के अगर PYQs लगाए हैं तो आपसे बनेगा. बट आपसे वो सॉल्व होने में इतना टाइम लग जाता है कि आपके, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है. अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप बाकी के बनते हुए क्वेश्चन मिस आउट कर दे रहे हैं. तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट था? नहीं था. या आपने कैसे डिसाइड किया? अगर मुझसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है तो आई विल मेक श्योर कि मैं एग्जाम में जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन देखूं, आई स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बाकी के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं और इतनी माथापच्ची एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ना करूं. ये मैंने डिसाइड कब किया था? मॉक देते वक्त किया था. तो टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि मैं सेम ड्यूरेशन में, उन 120 मिनट्स में, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाती हूं कि नहीं विद एक्यूरेसी. क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर सकता है अगर वो एक जेन्युइन एस्पायरेंट है तो. सो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम फ्रेम में करना इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रैक्टिस आप मॉक से करते हैं. Part 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन. आपको आपकी औकात पता चल जाएगी मॉक देने से.
आप अंधाधुंध पढ़ तो रहे थे, बट जो पढ़ रहे थे वो सही पढ़ रहे थे? आप जो पढ़ रहे थे वो क्या उस लेवल पे पढ़ रहे थे जिस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है? तो पढ़ना और सही पढ़ना ये दो बहुत अलग चीजें हैं। सो यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडिंग, और जो आप पढ़ रहे हैं उससे कोई एडवांटेज होने वाला है कि नहीं। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉक में अगर वो आपसे बन ही नहीं रहे हैं, मतलब आपने सिर्फ टाइम पास किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। आपको पता चल जाएगा कि पढ़ा तो था आपने बट वहां पे क्लिक नहीं कर रहा है, यानी आपका रिविजन लैग कर रहा है, तो आप तुरंत जाके रिविजन कर पाएंगे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक दें तो आपको पता चले कि पढ़ाई का स्तर क्या था आपका। फाइन। फोर्थ पॉइंट, टाइमली एक्शन। आपके पास 1 मंथ है, आपने मॉक देना शुरू किया, आपको समझ में आ गया कि आपने पढ़ा तो था ये टॉपिक बट याद नहीं आता है। याद नहीं आता मतलब रिविजन की कमी है, आपके पास टाइम है, आप रिविजन कर लेंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है बट आपसे PYQs तो लगाए थे बट पूरे PYQ नहीं लगाए, तो आइडिया ही नहीं था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी टाइम है, अभी PYQ लगा लेते हैं। जैसे टाइम देखा कि मुझसे तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे, अभी टाइम है, मैं सिटिंग अरेंजमेंट को धो दूंगी बिल्कुल पूरा, अब मुझसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी 1 मिनट के अंदर बन जा रहे हैं। तो मेरे पास एक्शन लेने का टाइम था, वो टाइम कैसे आया? मैंने मॉक दिया और मैंने डिसाइड किया कि ओ माई गॉड, इन कमियों पर मुझे काम करना है, अभी मुझे एक्शन लेना है। ये सब मैं कर सकती हूँ मॉक देने से। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस प्री एग्जाम नर्वसनेस। डी डे पे जब आप ये पैटर्न देखेंगे एग्जाम का, वहां जाके बैठेंगे, ये माहौल देखेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन अपनी नजर के सामने देखेंगे, तो आपकी मतलब आपके होश ना उड़े, आपके तोते ना उड़े। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से मॉक देके वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें। आपका एग्जाम अगर 10 o'clock को शुरू होना है तो आप मॉक भी 10 o'clock को शुरू किया करिए। 3 hour का पूरा मॉक दीजिएगा, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके दीजिएगा, टाइमर नीचे चल रहा है, और इसी माइंडसेट के साथ दीजिएगा कि यू आर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स। और अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही सेम चीज, सेम एनवायरनमेंट क्रिएटेड रहेगी व्हेन आई विल बी अपीयरिंग फॉर माय पर्टिकुलर एग्जाम द डी डे। आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपने वो 3 hour का एग्जाम इतने बार दिया है कि अब आपके लिए ये सब कुछ बच्चे का खेल हो गया है। आपको वहां पे कुछ न्यूनेस फील नहीं होगी और आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रिएट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जो भी माइंडसेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लगे, इधर उधर की चीजों पे ध्यान ना जाए। ये नर्वसनेस आपको पहले से किल करनी पड़ेगी, बार बार मॉक दिला के, सेम टाइम फ्रेम पे दिला के, ताकि आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शन करने लगे, तो आपका एग्जाम वाला डे भी आपके लिए एक नॉर्मल मॉक टेस्ट जैसा डे ही हो। माय लास्ट पॉइंट विल बी परफॉर्मेंस ट्रैक। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जब आपके स्कोर्स आते हैं तो आपको ग्रेजुअली आपके परफॉर्मेंस का आइडिया लगते जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग मेरा लैग कर रहा था, मैंने रीजनिंग पे एक्शन लेके काम किया, और दोबारा जब मॉक देना शुरू किया तो मेरे मार्क्स इंक्रीज करने लगे। जब मेरे मार्क्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मेरे परफॉर्मेंस का ट्रैक है मेरे पास कि मेरे इन इन एक्शंस की वजह से मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। मुझे पता चल गया कि मेरे जो सब्जेक्ट्स लैकिंग थे अब उन पे मैं अपना कमांड डेवलप कर चुकी हूँ। इन सब का आइडिया कैसे लगेगा जब मैं मॉक पे अपीयर करूँगी? तो मैंने आपसे इतनी सारी बातें की सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मॉक आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको आपकी प्रिपरेशन की, आपकी औकात बताने के लिए, आपको टाइम देने के लिए कि अच्छा बेटा अभी टाइम है, प्रिपेयर करके सही जगहों पे आ जाओ, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, आपका टाइम मैनेज करने के लिए कि आपसे ये टाइम में नहीं बन रहा है, आपको अपने पूरे प्रिपरेशन को स्पीड अप करना होगा, और एक्शन लेके उसको इम्प्रूव करने के लिए, नर्वसनेस को किल करने के लिए, कि कुछ भी बहुत नया नहीं होगा एग्जाम देने वाले दिन, जो मॉक टेस्ट में हो रहा है वही चीज़ें होने वाली हैं। ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट पे अपीयर करेंगे तो। इसीलिए बोल रही हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो सकती थी आपकी डी डे पे वो आप किल कर सकते हैं। सो इट कैन रियली रियली चेंज योर गेम, एंड आई कांट इम्फसाइज इनफ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अपियर फॉर मॉक टेस्ट। जिस भी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं आपको मॉक टेस्ट आराम से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक टेस्ट चल रहे होंगे। आप जिस भी पेड कोर्स से पढ़ रहे होंगे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वो रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट एवरी एस्पायरेंट, प्लीज गो अहेड एंड गिव अ मॉक टेस्ट। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो प्लीज़ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे दीजिए।
आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, हाईवे आता है, तो सिर्फ हाईवे का मॉक टेस्ट दे दीजिए, पता चल जाए कि जितना हाईवे पढ़ा है वो तो ठीक पढ़ा है ना, पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो क्या हुआ। पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट लास्ट में 3-4 दे दीजिएगा, जहाँ पे आपका पूरा 3 आवर का मॉक टेस्ट हो, बट उससे पहले जितनी चीज़ें आती हैं उसका तो देते जाइए। जैसे रीजनिंग बनने लगा है तो सिर्फ रीजनिंग का दे दीजिए मॉक टेस्ट, बाकी पूरा GS के मत दीजिए अभी। अगर पूरा टेक्निकल आता है तो कम से कम सिर्फ टेक्निकल का मॉक टेस्ट अभी दे दीजिए। पूरा टेक्निकल नहीं आता तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दे दीजिए, सिर्फ गो अहेड विद सॉइल मैकेनिक्स, गो अहेड विद ओनली एनवायरमेंट। तो जो आता है उसका मॉक टेस्ट तो दीजिए कम से कम लास्ट में, बिल्कुल एंड पॉइंट में, लास्ट के 10 डेज में ही आप फुल लेंथ दीजिएगा, चलिए 3 आवर का। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हर एस्पायरेंट को मॉक साथ साथ में देते चलना है। पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो जितना सिलेबस हुआ है उसका मॉक टेस्ट दीजिए। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, सारे वेबसाइट ने ये सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ मॉक टेस्ट भी रखा हुआ होगा, जहाँ पे आप सिर्फ रीजनिंग का मॉक दे सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ GS GK का मॉक दे सकते हैं। पूरा देने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो इनिशियल दीजिए। और अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको याद रखना होगा कि या तो आपका सिलेबस कवर नहीं है, या तो आपने रिविजन पूरा नहीं किया है, या तो आपने PYQ सॉल्व नहीं किया है। अगर आपने सिलेबस पूरा किया है, अगर आपने रिविजन करके याद रखी हैं चीज़ें और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया है, आई डोंट बिलीव कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो इन तीनों में से कोई चीज़ लैक कर रही होगी, आपको उसमें एक्शन लेना होगा, दैट्स इट। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज गो अहेड, एक अच्छा खासा ढंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट खरीदिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, 99 ऐसे कुछ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें 10-20 मॉक टेस्ट होंगे। दीजिए, परफॉर्मेंस ट्रैक करिए एंड प्लीज बूस्ट योर परफॉर्मेंस विद दैट। सो थैंक यू सो मच, आई वॉन्ट बी टेकिंग एनी फर्दर टाइम, प्लीज कीप द हसल गोइंग एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में आके डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई पर्सनली। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ भी फ्रूटफुल मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप द हसल गोइंग एवरीवन।